ब्रो वो लंबे बालों वाला बंदा आपका क्या लगता है? भाई आप कहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं? प्लीज पिक्सबे तो मत ही कहना। क्या आप फोटोशॉप एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या पिक्सआर्ट की एडिटिंग? आप जो फोटोशॉप से मैनिपुलेशन करते हैं इंस्टा पर, उस पर ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं लाते? वीडियो किससे एडिट करते हो? सर मैं 10th में हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा एडिटिंग का चैनल है, 50+ वीडियो डाल चुका हूँ मगर चैनल ग्रो नहीं हो रहा। ये क्या ब्रो वो लंबे बालों वाला बंदा आपका क्या लगता है? हाँ जी गाइज, क्या हाल चाल? तो गाइज आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड मैं हाजिर आंसर्स लेकर, तो स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तुम्हारा पहला क्वेश्चन, एक मोबाइल फोटोग्राफी पे वीडियो बहुत सारी आने वाली है एंड बहुत सारी हमने बहुत सारी वीडियोज हमने तो यार मोबाइल फोटोग्राफी पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं एंड आगे और भी बढ़िया बढ़िया आने वाली है, आप चैनल के साथ बने रहिए। Lightroom प्रीसेट मस्त वाले डालो। जरूर भाई जरूर। विच कैमरा डू यू यूज़? यार जो भी कैमरा अवेलेबल हो हम वही यूज़ कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग जैसे की थी 550D से, फिर हम आगे थे कैनन का 770D, अब हमारे पास है सोनी का A7 III। मतलब जो भी कैमरा अवेलेबल होता है उसी के साथ, अब इसके बाद कोई और आ जाएगा उसके साथ फोटोग्राफी करेंगे। कैमरा का मॉडल नंबर ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती, आपका जो बस वो शौक डिपेंड करता है कि आपको शौक कितना फोटोग्राफी करने का। आपके पास अगर मोबाइल भी होगा आप बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल डाल दिया करो। सर फोटोशॉप के ऑलरेडी बहुत सारे मैंने वीडियोस डाली हैं, मतलब 3 अपलोड करी हुई हैं एंड और भी आगे आने वाली हैं, आप चैनल के साथ बने रहिए। पर यूट्यूब ना होता तो आप क्या करते? लव यू बिग फैन फ्रॉम मध्य प्रदेश। पर यूट्यूब ना होता तो एडिटिंग ही करते, कुछ वीडियो एडिटिंग, कुछ फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो मेकिंग, मतलब यही लाइन में होते हैं। उसके पहले यही करते थे, वीडियोज भी बनाते थे हम। भाई फोटो वीडियो एडिटिंग में क्या स्कोप है? भाई आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हो जहाँ पर इतनी सारी वीडियोज बन के आती हैं, तो हर वीडियो का एक पोस्टर डिजाइन होता है, एल्बम पोस्टर डिजाइन होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हो यार। वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आप, फिल्मों में जा सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो। भाई आप ट्यूटोरियल्स Lightroom के बनाते हैं लेकिन आप अपनी फोटोज अडोब से एडिट करते हो या Lightroom से? सर मैं दोनों से एडिट करता हूँ, कुछ फोटोज़ Lightroom से बनती हैं, कुछ फोटोज़ फोटोशॉप से बनती हैं, कुछ पिक्सआर्ट से बनती हैं, तो सब कुछ यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि क्रिएट क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपके वीडियो पे वॉइस ओवर कौन करता है? मेरी आवाज़ होती है आपने पहचानी नहीं, यही आवाज़ होती है वीडियो में आगे। और आपका जो मॉडल उनका नाम क्या है? खुद बताएंगे अपना नाम क्या? मॉडल का नाम ऋषि है। ऋषि शौरी। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाँ दोनों की है, ऋषि शौरी राज फोटो एडिटिंग मच मोर। हाउ टू पोज इन अ रिवर पर वीडियो बनाए? यार रिवर तो यहाँ पर मुझे लगता है अवेलेबल नहीं होगी हमारे घर के इर्द गिर्द आस पास, पर जब अगर कहीं गए तो कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया एंड सारे टीम ही अवेलेबल हो तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे यार। राज सर बिग फैन ऑफ योर फोटोग्राफी, टेरेस पे फोटोशूट का वीडियो बनाएं प्लीज़। तो यार टेरेस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, टेरेस पे फोटोशूट, वो लिंक मैं दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन एंड इसके अलावा और भी आगे वीडियो जरूर आएगी। भाई कैनन 200D कैसा है प्लीज़ बताओ? भाई कैनन 200D अच्छा कैमरा है यार, मैंने आई थिंक एक दो बार यूज़ किया हुआ है तो मुझे फोटोज़ अच्छी लगी थी, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट कैमरा, अच्छा कैमरा है। भाई आपकी एडिटर बहुत बढ़िया है। थैंक यू यार एडिटिंग में से। लव फ्रॉम पाकिस्तान क्वेश्चन, फुल लेंथ पोर्ट्रेट लेने के लिए कितना जूम काफ़ी होता है? तो ब्रो ये आपके फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, आपने फ्रेम कैसा बनाया, क्योंकि फुल लेंथ पोर्ट्रेट तो 50mm लेंस से भी आ जाता है एंड वाइड लेंस जो 1855 होता है उससे भी आ जाता है, 1635 से भी आ जाएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रेम कैसा है। फुल लेंथ पोर्ट्रेट तो किसी में भी आप क्लिक कर सकते हैं। 10th के बाद फोटोग्राफी का कोई डिप्लोमा फोटोग्राफी कोर्स है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। ब्रो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा 10th के बाद आप +1 +2 करें, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फोटोग्राफी आप सिर्फ शौक के लिए पहले रखें। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, आपकी ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद आप इस फील्ड में आने का सोचें, क्योंकि पहले अपने पेरेंट्स से जरूर पूछें यार, क्योंकि पेरेंट्स की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा आपका पेरेंट्स कहें वैसे ही उनको फॉलो करके करें। वीडियो किससे एडिट करते हो? तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करता हूँ, जैसे मेरे पास है Adobe का प्रीमियर प्रो, मेरे पास है Wondershare का फिल्मोरा, मेरे पास है FCP फाइनल कट प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स है मेरे पास, तो ये सारों मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा सॉफ्टवेयर चूज़ करके यूज़ कर लेते हैं। भाई आप कहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं? प्लीज़ पिक्सबे तो मत ही कहना, कोई और बताइए। भाई पिक्सबे के अलावा और भी बहुत सारी हैं, पिक्सल्स हैं एंड अनस्प्लैश है एंड मैं तो ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ, पिक्सल्स और अनस्प्लैश और पिक्सबे मैं यूज़ करता हूँ यार, इसलिए मैं बोलता हूँ पिक्सबे यूज़ करता हूँ मैं। सर आप बिना फोटो की क्वालिटी डाउन बैकग्राउंड रेज कैसे करते हो यार, ये बताओ। यार फोटो की क्वालिटी फोटो पे पहले डिपेंड करती है कि आपकी फोटो आई कैसे है। अगर हम फोटो खींचने वक्त हम कुछ ध्यान रखें कि फोकस प्रॉपर है, फोटो में लाइटिंग प्रॉपर है, तो अगर फोटो आपकी अच्छी है ना तो जब बैकग्राउंड रेज करेंगे आप तो उसकी क्वालिटी बहुत कम चांस हो जाती है कि उसकी क्वालिटी कम हो। हाँ अपना वो पिक्सआर्ट जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर आप फिर भी फोटो अच्छी थोड़ी सी चूज़ करेंगे ना, अच्छी क्वालिटी वाली थोड़ी सी फोटो अगर यूज़ करेंगे
तो फोटो की क्वालिटी कम होने के चांस कम हो जाते हैं। सर मैं आपके कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, वो इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर से डालते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे सॉफ्टवेयर का वही यूज़ होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया। अब मुझे नहीं पता आप कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो एक्स एंड इनमें से कोई होगा, या वंडरशेयर फिल्मोरा, इन चारों में से कोई ना कोई होगा जो मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, वेयर डू यू गेट स्टॉक फुटेजेस? भैया स्टॉक फुटेज की बहुत सारी वेबसाइट्स है वीडियो के स्टॉक फुटेज के लिए, जैसे पिक्सल्स है, PEXELS पिक्सल्स, एंड उसके अलावा जो फोटोज़ के स्टॉक होते हैं वो मिलते हैं अनसप्लाइज से, पिक्सल से, पिक्स अवे से, तो अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पर कॉपीराइट फ्री स्टॉक मिल जाता है इजीली। ऋषि शौरी को Q&A में जरूर लेना। आ गया, ऋषि Q&A में है, ऋषि Q&A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? तुम्हारी शादी हो गया या नहीं? नहीं यार, शादी नहीं हुआ अभी। फ्यूचर प्लानिंग, हाँ बस वीडियोज आने वाली बहुत ही बढ़िया बढ़िया। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई, आवाज़ कहाँ से आई? आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? दो तो ये हैं यार, एक आईफोन है, एक नोट 5 है, और एक पापा का होता है MI A2। तो ये 3-4 फ़ोन होते हैं, बाकी अगर कोई यार दोस्त मिल जाए उसका फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। सर जी नमस्ते, मेरा एडिटिंग का चैनल है, 50+ वीडियो डाल चुका हूँ मगर चैनल ग्रो नहीं हो रहा। भाई लगे रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहिए। हमारे हाथ में तो सिर्फ वीडियोज़ बनाना ही होता है ना, रिस्पॉन्स तो लोगों के हाथ में है, आप सबके हाथ में रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो हमारा काम है जस्ट वीडियोज़ बनाना, तो आप भी बस वीडियोस बनाते रहिए। पर ये आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और ये एडिटिंग ट्यूटोरियल्स कहाँ से सीखा है? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की है BCA, और ये सीख ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ इधर उधर से, जहाँ से मौका मिलता है, जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है वहीं से लपेट लो। भाई एक बजट में कोई कैमरा बता दो, अगर आपने यहाँ पर अपना बजट बताया होता कितना है तो फिर उसके हिसाब से मैं बता सकता था, लेकिन अब मैं ऐसे कैसे बता दूँगा आपका बजट कितना है? ब्रो वो लंबे बालों वाला बंदा आपका क्या लगता है? मैं आपसे मिलवा देता हूँ आज, मेरे दोस्त है यार, दोस्त है यार, वो देखो पीछे खड़ा है, कैमरे के पीछे भैया, मैं अभी मिलवाता हूँ आपसे। ये देखो, ये सर बताएंगे, ये देखो वो लंबे बालों वाला बंदा आपका क्या लगता है? भाई लगता हूँ मैं इनका भाई। आप मैनिपुलेशन और CV एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स कब दिखाओगे? भाई मैनिपुलेशन में बहुत सारी वीडियोज़ है यार यूट्यूब चैनल पे मेरे, एंड और भी आगे आने वाली हैं, तो आप जस्ट चेक करते रहिए राज फोटो एडिटिंग एंड मच मोर, सर्च करके ना यूट्यूब पे बार बार सर्च करते रहिए। CV एडिटिंग क्यों नहीं करते? भाई वो ट्रेंड पुराना हो गया ना, अब नया ट्रेंड है जो चल रहा है उसके हिसाब से एडिटिंग का ट्रेंड भी चेंज करना चाहिए ना। रिश्ता वही सोच नहीं भाई, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल भी चाहिए, जल्दी आ रहे हैं यार, बहुत सारे आ रहे हैं, पहले भी पड़े हुए हैं ट्यूटोरियल फोटोशॉप के बनाए हुए हैं यार, आप चैनल पर चेक करिए राज फोटो एडिटिंग, आगे फोटोशॉप लेके सर्च करो। फोटो एडिटिंग के लिए कोई कोर्स बताइए, फोटो एडिटिंग के लिए कोर्स आप यूडीमी पे सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है यार, सर्च करो यार आपको आ जाएगी। आप फोटोग्राफी लाइन को ओवर कर दो तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, पता नहीं यार, सोचा नहीं कभी। नहीं मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि स्कूल बॉय की पोज की वीडियो बनाओ यार, स्कूल बॉय की जल्दी वीडियो आएगी, बस स्कूल बॉय ढूंढ रहे हैं। आपको वेक्टर आर्ट आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, आता है मतलब। आप फोटोशॉप में पोस्टर एडिटिंग क्यों नहीं करते? करते हैं यार, करते हैं, वीडियो भी आएगी। भाई अब तक आप कितने वीडियो अपलोड कर चुके हो हाइड मिला के? भाई ऐसे गिने तो नहीं है कितने वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत किए हैं, 100 से तो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000। 15,000 के अंदर यार मुझे अच्छा लगा वो MI A2। Adobe फोटोशॉप को यूज़ करने का सिंपल तरीका बताओ मोबाइल फ़ोन में। यार मोबाइल फ़ोन में तो फोटोशॉप नहीं होता यार, कंप्यूटर वाला आता है मुझे। राज सर एक रैप सॉन्ग बनाना है मोबाइल से, कुछ हेल्प कर सकते हैं जैसे मिक्सिंग मास्टरिंग वीडियो शूटिंग एंड एडिटिंग? यार यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यार, मुझे लगता है आप देख के आसानी से बना सकते हो, बस पहले प्लानिंग करके जाओ कि आपने क्या क्या चीज़ें शूट करनी है, आपके म्यूज़िक किस तरीके का है, तो उस हिसाब से अपने अपने लोकेशंस ढूंढो एंड उसके हिसाब से सीन को शूट करो, बाद में सीन जोड़ के एडिटिंग करके वीडियो डाल, सिंपल। कपल फोटोशूट पोज विद बाइक कब आएगा? तो कैमरे के पीछे खड़े ऋषि भाई साहब वो बताएंगे कि कब आ रही है कपल फोटोशूट वाली। बाइक भी वही रेंज करेगा और कपल के लिए वो। चलो, हाउ टू मेक ओन ऐप? भाई ऐप बनाना नहीं आता यार मुझे सच्ची। सर मैं 10th में हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मैं क्या करूँ? भाई आप 10th में हो, पढ़ाई करो, बोर्ड के पेपर हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमने सब ने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, और जो मम्मी पापा कहते हैं ना उसको ज़रूर फॉलो करो, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। सेल्फी पोज फॉर बॉयज, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है। व्हाई डू यू स्टार्टेड एडिटिंग? क्योंकि अच्छा लगता है एडिटिंग करना। पिक्सआर्ट पे सिर्फ ट्यूटोरियल क्यों बनाते हो? इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल। कोई आपका वीडियो तभी देखेगा ना जब कुछ प्रोफेशनल काम आएगा, पिक्सआर्ट आजकल सभी यूज़ करना जानते हैं, बनाना है तो लाइट रूम PC के हिडन फीचर्स पे बनाओ। ज़रूर भाई ज़रूर बनाएंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। भाई दोबारा 19 पोज वाली वीडियो डालो। सर डाली हुई है पहले ही चैनल पे, और उसका पार्ट 2 अगर चाहिए वो बता दीजिए। फोटोशूट का वीडियो बनाओ,
आई एम इंस्पायर्ड बाई योर टैलेंट एंड योर फोटोज, आई लाइक इट। जरूर भाई जरूर, बहुत सारी वीडियोज आगे आने वाली हैं यार। आप कौन से ऐप से थंबनेल एडिट करते हो? फोटोशॉप से। एडिटिंग चैनल ग्रो कैसे करें? वीडियोज बनाते रहिए, अपने आप ग्रो होएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज बनाओ बस। एडिटिंग वीडियोज और बनाओ ना प्लीज। और घर पर फोटोशूट कैसे करें उस पर और वीडियोज बनाओ प्लीज। श्योर भाई जरूर। हाउ टू मेक ओन बैकग्राउंड। तो जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना, तो जैसे आप किसी हिली एरियाज में घूमने गए या आप किसी समुंदर के पास में गए, तो वहाँ पर फोटोज क्लिक करते रहिए। तो जैसे आप नेचर की फोटोज को क्लिक करेंगे, या आप किसी पुरानी सी गली में गए तो वहाँ पर फोटोज क्लिक करिए, तो वो सारे आपकी बैकग्राउंड ही हैं। अपनी फोटोज आप अपनी बैकग्राउंड बना सकते हैं, अपनी क्लिक की हुई फोटोज से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। हाउ टू सिंपली रिटच फोटो इन मोबाइल एंड अपनी फोटो में अच्छा वाला पोज, अच्छा वाला प्रो जैसा फिल्टर कैसे डालें जैसे हमारी फोटो प्रो दिखने लगे। तो ब्रो रीटच, फोटो रीटचिंग हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोज हैं, आप सारी जगह जरूर देखें। आप यूट्यूब पे सर्च करिए राज फोटो एडिटिंग, आगे रीटच फोटो, तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जरूर देखिए। सर मेरे फोटो में दरार फटी फटी सी आ जाता है एडिटिंग के बाद, प्लीज़ बताइए। सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, दरार कैसे आ जाती है, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सके या मुझे स्क्रीनशॉट किसी तरीके मुझे मेल कर दें तो मैं ट्राई करूँगा चेक करने की। एंड अगर आप जीमेल पे भेजेंगे तो ऊपर लिख दें यही चीज़, दरार फटी फटी सी आ जाती है, तो मैं मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं ये चेक करना है। भाई आपकी फ़ोटोज़ कौन क्लिक करता है? मेरी फ़ोटोज़ यार जो भी मुझे मिल जाए, मतलब अगर मैं मम्मी है मम्मी से करवा देते हैं, पापा हैं तो पापा फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, अगर कोई यार दोस्त फ्री है तो उसको बोल देंगे फ्री क्लिक कर दे। अगर कोई भी नहीं अवेलेबल होता तो मैं खुद ही टाइमर लगा के ना खुद ही फोटो क्लिक करने लग जाता हूँ। भाई एक बिगिनर्स के लिए कौन सा कैमरा अच्छा रहेगा अंडर 30 से 35 हज़ार? थैंक्स फॉर द प्रीसेट्स। 30 से 35 हज़ार का कैमरा, भाई मैं कहता हूँ अगर आपके पास 30-35 हज़ार का अभी बजट है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि आपका थोड़ा सा बजट आप बढ़ा लो। मतलब एटलीस्ट आप कैनन का 200D कैमरा, मतलब इस तरीके का कैमरा, क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो थोड़ा रुक के पैसा थोड़ा और जोड़कर अच्छी चीज़ लो। 30-35 हज़ार का मुझे मेरे ख्याल में तो नहीं है यार कोई 30-35 हज़ार का अच्छा कैमरा। हाँ अगर आप उतनी देर फ़ोन में फोटोज़ क्लिक करो, फ़ोन में आजकल बहुत अच्छे अच्छे कैमराज हैं यार, MI के फ़ोन में या और भी सैमसंग वगैरह फ़ोन में अच्छे अच्छे कैमराज आ गए हैं, जो कम बजट वाले फ़ोन हैं उनमें भी अच्छे अच्छे कैमराज आ गए हैं। तो जब तक आप पैसे जोड़ें एक अच्छे कैमरे के लिए, उतनी देर तक आप फ़ोन से फोटोज़ क्लिक करिए रादर देन गोइंग फॉर मतलब सस्ते कैमरे से अच्छा मोबाइल से फोटोज़ क्लिक करो। एक और क्वेश्चन उनका, कुछ पोजेज़ के बारे में बताएं, हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट इन कैमरा। तो कॉन्फिडेंस दिखने के लिए कॉन्फिडेंस अपने अंदर से निकालो यार, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाली चीज़ तो हम किसी दुकान से तो खरीद नहीं सकते ना, कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर भी है, तो जस्ट अंदर से निकालना है कॉन्फिडेंस। फोटो क्लिक करने लगे मतलब एटीट्यूड में आ जाओ थोड़ा सा, मतलब स्टाइल से थोड़ा सा, तो अंदर से निकालो कॉन्फिडेंस को, तो आपके अंदर ही है। हाय राज भाई, माई क्वेश्चन इज़ हाउ यू फील नाउ, यू आर अ फेमस यूट्यूबर एंड वट इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ टेल मी, एंड योर एडिटिंग इज अमेजिंग, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर एंड फ्यूचर और एडिटिंग। थैंक यू सो मच यार, आपने इतना प्यार दिया। वैसे कोई फेमस वाली बात नहीं है, हम सबके जैसे नॉर्मल इंसान है यार, सिंपल वही सेम दोस्त है, वही घर पे रहने हैं, वही गाड़ी है। ग्रुप PS टच पर वीडियो बनाओ यार। PS टच ना प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ऐप है तो जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं ऐप होती ना वो सिक्योर नहीं होती हमारे फ़ोन के लिए, हमारे डाटा चोरी हो सकता है, कुछ भी हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो प्ले स्टोर के बाहर के ऐप्स की वीडियोज़ मैं नहीं बना सकता, सॉरी। हेलो भाई क्या हालचाल, Lightroom प्रीसेट मोबाइल में कैसे बनाते हैं? तो यार मुझे लगता है मोबाइल में ये नहीं बनते जो प्रीसेट्स होते हैं ना, अगर मोबाइल में जो बनेंगे ना तो वो आपके फ़ोन में ही यूज़ होंगे, आप आगे शेयर नहीं कर सकते अगर आप मोबाइल में बनाएंगे। तो Lightroom का जो PC वाला वर्जन है, लैपटॉप वाला वर्जन है, उसमें आप प्रीसेट्स बना के आगे शेयर कर सकते हैं। सर जी पाकिस्तानी स्टाइल वीडियो बनाओ। ब्रो मैं समझा नहीं, पाकिस्तानी स्टाइल मतलब कैसे, बोलने का तरीका या एडिटिंग, मतलब कुछ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते तो मैं जवाब दे पाता। फोटोशॉप एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या पिक्सआर्ट की एडिटिंग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो? जो इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैं डालता हूँ कई बारी कि यूट्यूब पे नई वीडियो आ गई है स्टोरी वाली, वो पिक्सआर्ट की होती है, एंड जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है वो फोटोशॉप की होती है, तो दोनों अलग अलग है। इंस्टाग्राम पे वैसे ज़्यादातर जो पोस्ट है ना मेरी, पोस्ट तो सारी मुझे लगता है वही है फोटोशॉप वाली, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना काम दिखाना होता है कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स होते हैं, क्योंकि सब लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं अवेलेबल, लेकिन फ़ोन सबके पास ही होता है, तो फ़ोन के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे होते हैं ताकि सभी लोग वो चीज़ ट्राई कर सकें। सर ये बताना कि लास्ट वाली वीडियो में PNG HD में कहाँ से डाउनलोड की? तो कौन सी PNG की आप बात कर रहे हैं? आपने बताया नहीं वो, तो मैं कैसे आंसर करूँगा? मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कहना चाहता हूँ कि आपकी फोटोग्राफी टिप्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं और आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा इंट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच। हेलो सर मेरे को DSLR तो नहीं है, मैं फ़ोन में फोटोग्राफी कैमरा FE5 यूज़ करता हूँ, पर मैंने शटर स्पीड नहीं सेट होंगी। ब्रो शटर स्पीड हर एक फोन के अवेलेबल नहीं होंगी, शटर स्पीड की ऑप्शन कुछ फोन के अवेलेबल होंगी है, तो बाकी शटर स्पीड वाली टेंशन छोड़ो, तो नॉर्मल कैमरा ऐप के ही फोकस एडजस्ट करके प्रॉपर लाइटिंग देख के अच्छी अच्छी फोटोज खिंचो, तो हौली 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 कैमरा भी आ जाएगा।
रॉब के चैनल पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, फिर भी इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं? या कुछ वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कुछ वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं, क्योंकि हमारे होते हैं ट्यूटोरियल्स। हमारा काम होता है बस वीडियो बना के अपलोड करने, सब्सक्राइब करना, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में हैं। मतलब अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। सर जी, आप फोटोशूट में फ़ोटो निकालते हैं वो हमसे बिल्कुल वैसी नहीं निकलती, ये क्यों? ये तो मैं आपकी फ़ोटो देख के बता सकता हूँ कि आपने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। आप मैक्सिमम हो सके सिर्फ फोटोग्राफी की वीडियोस डाला करो, एडिटिंग की कम डाला करो। मुझे लगता है मुझे बैलेंस बनाना चाहिए, मतलब एडिटिंग की भी और फोटोग्राफी की भी। सर एक एडिटिंग मिस्टर फैजू और रियाज की तरह करना सिखाओ, जिसमें उनके फेस जैसे क्लियर एंड शार्प आते हैं, वो कैसे करें उसका ट्यूटोरियल चाहिए। ज़रूर भाई ज़रूर बनाएंगे वीडियो। सर कैमरा के साथ फ़ोटोशूट की वीडियो बनाओ, ज़रूर। फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स की अगर प्लेलिस्ट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। फोटोशॉप की मैंने आई थिंक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें वीडियोस भी हैं फोटोशॉप की एंड और भी आगे आएंगी। विजय में हर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए? तो वो फोटोशॉप ही यूज़ करते हैं, फोटोशॉप से बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग करते हैं वो। आप जो फोटोशॉप से मैनिपुलेशन करते हैं इंस्टा पर, उस पर ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं लाते? यार इस चीज़ का मुझे डाउट है। अब सपोज़ करिए मैं इंस्टाग्राम पर हफ्ते में 3 फोटोज़ अपलोड की मैंने, आप ऐसा कर लीजिए मतलब जैसे 2 हफ्ते मैंने 6 फोटोज़ अपलोड करी, अब अगर यही 6 फोटोज़ की मैं ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो यूट्यूब पे जो बाकी वीडियोस है मेरे, जैसे पोज वाली वीडियो है, मेरी मोबाइल फोटोग्राफी की वीडियो है एंड मेरी और कैमरा सेटिंग की वीडियो होगी, या मेरी पिक्सआर्ट की वीडियो होगी, लाइटरूम की वीडियो होगी, ये सारी चीज़ें मैं कब अपलोड करूँगा? देखो कि फोटोशॉप सबके पास अवेलेबल नहीं है और जो मोबाइल होता है वो हर एक के पास अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश होती है जो हर एक बंदा, मतलब मेजॉरिटी जो ऑडियंस है ना, वो चीज़ें कर सके, उस पर ट्यूटोरियल्स लाए मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हैं पहले और भी आगे आएंगे, लेकिन तो कोशिश करेंगे ऐसे करेंगे, जैसे सपोज करिए मैंने इंस्टाग्राम पे ना 6 फोटोज़ अपलोड करी 2 हफ्ते में, एग्जांपल के तौर पे मैं 4 भी कर सकता हूँ 6 भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 फोटोज़ अपलोड करी, तो जिन में से ये 6 में से सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स जिसका आया ना, उसका ट्यूटोरियल बना देंगे। ये आइडिया ठीक है तो बताओ कमेंट्स पे अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पबजी खेलते हो? अपनी आईडी बताओ, ये पबजी वाला है। नहीं भाई नहीं, पबजी नहीं खेलता। आप पहले वाली एडिटिंग लाओ, हमें पोजेस नहीं चाहिए। अरे यार ऐसा क्यों कहते हो यार, पोजेस नहीं चाहिए, पोजेस अच्छे होते हैं। तो यार एडिटिंग भी तभी अच्छी होगी अगर आपका पोज अच्छा होगा, अगर आपने फोटो अच्छे तरीके से खिंचवाई होगी ना, तभी आप उस पर एडिटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए पोज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मत कहिए यार पोज की वीडियो ना लाएं, यार पोज ज़रूरी है, पोज करेंगे तो ही आगे एडिटिंग होगी। आपका सबसे एक्सपेंसिव कैमरा लेंस का प्राइस बताओ। तो यार मैंने सबसे अभी तक जो एक्सपेंसिव लेंस खरीदा वो यही अभी जो चल रहा है 50mm लेंस है सोनी का फुल फ्रेम, और ये पड़ा था कुछ पता नहीं यार 15,000 से 20,000 के बीच में था कुछ ऐसा, मतलब अभी तक यही सबसे महंगा है। राज भाई आप जैसे हमारे मास्टर जी पढ़ाते तो आज IAS बन जाते। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। सर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं मिलते एंड लाइक, क्या करें? जो भी कर लो कुछ नहीं मिलता सर, बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, अगर हम अपनी मेहनत करेंगे तो सक्सेस हमारे पीछे आता है। वो 3 इड्स में डायलॉग भी था ना कि बच्चा मेहनत करते रहो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के अपने आप आ जाएगी, तो ऐसा कुछ डायलॉग था आमिर खान जी का। तो इस तरीके से आप, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहिए, सक्सेस पैसा फेम ये सब आपके पीछे अपने आप आता जाएगा, आप बस मेहनत करते रहो। राज भाई मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो रहा है यार, ये मुझे लगता है या तो आपके फ़ोन का कुछ फॉल्ट है, फ़ोन के अंदर वायरस वगैरह हो सकता है, या जो लाइट रूम ऐप आपने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करी, तो आप प्ले स्टोर वाली जो लाइट रूम ऐप है आप वो डाउनलोड करके ट्राई करें, अगर उससे हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो आप अपना फ़ोन भी एक बार डाटा कॉपी करके ना उसको फॉर्मेट मार के फिर से लाइटरूम इंस्टॉल करिए। तो ये 2 चीज़ें ट्राई करके देखिए। बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हो? ब्रो जो भी मेरी वीडियो होती है हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ, मोस्टली हर एक वीडियो में मैंने बताया हुआ कि मैंने बैकग्राउंड किस ऐप से इरेज किया, चाहे वो इरेजर ऐप होती है, पिक्सआर्ट की ऐप होती है, मतलब जो भी ऐप से मैं रिमूव करता हूँ ना वो मैंने बताया होता है वीडियो में किस ऐप से इरेज करते हैं। वीडियो इतना लेट क्यों डालते हैं? यार मुझे लगता है मैं हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालता हूँ यार, हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो होती है मेरी मुझे लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप बताइए यार, पर ऐसा मत कहना कि हफ्ते में 8 वीडियो चाहिए, वो मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप फिर भी कमेंट करके बताएगा आपको हफ्ते में कितनी वीडियोस देखने का मन करता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा यार उस पर थोड़ा सा खरा उतरूँ और भी वीडियोज़ डालूँ। हरिजन आप वॉइस कैसे और किस गैजेट से रिकॉर्ड करते हैं और इतना क्लियर और अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं? यार अभी तो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये आईफोन है इसके अंदर से कर रहा हूँ अभी मैं, एंड वैसे मेरे पास माइक भी है H2N का माइक है, एंड मेरे पास एक छोटा सा कॉलर माइक भी है, वो मैं कम यूज़ कर रहा हूँ अभी, लेकिन H2N का माइक मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और एक ये वाला आईफोन, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। भाई फोटो का बैकग्राउंड तो चेंज कर लेता हूँ पर फिर वो एडिटेड लगता है, शायद बैकग्राउंड मैच नहीं होता फोटो से, ऐसा क्यों?
ये कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही होता है शुरुआत में, मेरे साथ भी बहुत होता था। अभी कई बार हो जाता है कि बैकग्राउंड सब मैच नहीं होती फोटो, तो वो प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप खुद ही पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक होती है जो फोटो को मैच नहीं हम कर पाते। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, अब अमृतसर कब आओगे? परी ज़रूर जो भी चक्कर लगा अमृतसर आवाँगे आप। इंस्टाग्राम पर मैं कोशिश करूँगा, वो डाल देंगे स्टोरी इन अमृतसर, तो अगर आप फ्री हो तो आप आके मिल लेना। भाई को लोगों की वीडियो बनाओ कि लोगों कैसे बनाएं और मोबाइल में, ज़रूर भाई ज़रूर लोगों की वीडियो पे आएगी। वीडियो एडिटिंग पे ट्यूटोरियल्स डालोगे क्या? अगर भाई अच्छी डिमांड है आप लोगों की वीडियो एडिटिंग में भी ट्यूटोरियल्स भी डालेंगे, यार क्या बात करते हो। अब राज फोटो एडिटिंग एंड मच मोर है, मतलब कि फोटो एडिटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मच मोर है। सो कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट कर्व इन लाइटरूम, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड? ज़रूर भाई ज़रूर। लाइटरूम में फेस टोन क्लियर करने का बताओ, एंड ये भी बताएंगे पिक्सआर्ट में एडिटिंग के बाद क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। तो यार जो भी मेरे पिक्सआर्ट के ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, उसमें बताया होता है, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप कि मतलब पिक्सआर्ट में जो मैं फोटो एडिट करता हूँ ना, अगर आप वो पूरा ट्यूटोरियल ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक पिक्सआर्ट का ही यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड इरेज करने से लेकर फाइनल आउटपुट निकलती है, उसके बाद लाइटरूम में जाती है फोटो, तो क्वालिटी आप देखिए मेंटेन ही रहती है। अगर आप वो वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना जो मैं पिक्सआर्ट में यूज़ करता हूँ, तो आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। बाकी आप जो फोटो क्लिक करते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रखें, मतलब फोकस वगैरह प्रॉपर कर लें, जो लाइटिंग है मतलब आपके फेस पे लाइट प्रॉपर आ रही है, एंड वो पिक्सआर्ट में एक ऑप्शन होती है सेटिंग्स पे जाके ना मेगापिक्सल को बढ़ाने की, वो अगर 5 या 2 पे है तो आप उसको 8 पे कर लीजिए, मैक्सिमम जितना भी है वहाँ पर कर लेंगे तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी यार। नेक्स्ट आपका था लाइटरूम में फेस टोन, ये मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं ना, मतलब एक बंदे ने जैसे एक ही क्वेश्चन होता है तो वो 3-4-5 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा होता है, तो मैंने कोशिश की उनमें से एक ही पिक करूँ। बाकी अगर फिर भी किसी का रह गया मेरे से तो रियली सॉरी यार, अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।